क्या हाल चाल भाई लोग, स्वागत है नए वीडियो में। तो आज अपन बात करेंगे इंडियन फुटबॉल टीम का, जो कि मैच था इंडिया वर्सेस सिंगापुर का। ये फ्रेंडली मैच था जो कि आज हुआ, और एक नेक्स्ट मैच होगा वियतनाम से, जो कि 27 को होगा। तो आज का मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। क्या हमें खुश होना चाहिए इस रिजल्ट को देखकर? मुझे तो नहीं लगता। मैं तो खुश नहीं हूँ, क्योंकि मैंने पूरे 90 मिनट गेम देखे हैं। मैं तो खुश नहीं हूँ। इसके पीछे रीजन ये है कि सिंगापुर वो टीम है जो कि वियतनाम पिछले मैच में 4-0 से हराया हुआ है। तो मेरा उम्मीद था कि इंडिया यहाँ पे आके डोमिनेट करेगा और मैच जीतेगा, लेकिन मैच उल्टा स्टार्ट हुआ। पहले गोल सिंगापुर ने गोल करा इंडिया के खिलाफ, जो कि एक सेट पीस था, और उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते थे। वो गोल था, तुम कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन तुम उम्मीद करते हो कि जब भी लो रैंकिंग की टीम आती है, सिंगापुर ऐसी टीम है जिसकी रैंकिंग 159 है, तुम उम्मीद करते हो कि इंडिया डोमिनेट करेगा। ठीक है, मैं देख रहा था इंडिया अच्छे बॉल पास कर रहे थे, लेकिन जो वो इंटेंसिटी होनी चाहिए थी वो गेम में थी नहीं। अगर तुमने मैच देखा होगा तो तुम्हें लगा होगा कि इंडिया बहुत ही स्लॉपी पास कर रहा था, बॉल इजिली लूज कर रही थी। इतना ज्यादा स्लॉपी पास और लेजी पास हो रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था ऐसा क्यों। इंडिया को पूरे डोमिनेट करना चाहिए था गेम को पूरी तरीके से, बट ऐसा नहीं हुआ। और तुम स्टैट्स भी देखोगे मैच का, तो ऑलमोस्ट 50-50 रहा बॉल पोजिशन रहा। हाँ, इंडिया ने अटैक करा है ज्यादा, उन्होंने आई थिंक इंडिया ने 10-12 अटैक करे हैं, लेकिन वो जो कन्विंसिंग होना चाहिए ना कि गोल कर पाएंगे, वो नहीं हो पा रहा था, नहीं दिख रहा था, नहीं दिख रहा था। तो आज के मैच में इंडिया का डिफेंस भी कुछ खास नहीं था। पहले हाफ में तो काफी हिला हुआ लग रहा था। इसके पीछे ये रीजन था कि संदेश झिंगन नहीं खेला था, क्योंकि संदेश झिंगन फ्राइडे के नाइट को ही वियतनाम पहुंचा था, तो वो आज के मैच में बेंच में था और उसको सब्स्टिट्यूट भी नहीं करा, तो डिफेंस काफी हिला हुआ दिख रहा था। और एक और मैच में आज नए प्लेयर को भी मौका दिया था, फर्नांडिस भी नहीं खेल रहा था। तो बट उम्मीद था यार इंडिया को यहाँ पे डोमिनेट करना चाहिए था ऐसे गेम पे, लेकिन अब क्या है, ये जो एक और फ्रेंडली मैच है, ये तीन तीन देशों का फ्रेंडली मैच था, इंडिया हो गया, वियतनाम हो गया और सिंगापुर का, और ये राउंड रॉबिन के हिसाब से विनर को चूज करा जाएगा। आई मीन जो इन तीनों में जो टॉप फिनिश करेगा वो जीत जाएगा। और उम्मीद तो बहुत कम लग रहा है, क्योंकि अब इंडिया को वियतनाम को एटलीस्ट 4-0 से हराना पड़ेगा, तो वो इस ग्रुप में टॉप करेंगे और आराम से जीतेंगे। लेकिन ये बहुत मुश्किल लग रहा है आज के परफॉर्मेंस को देखते हुए। और इंडिया क्या था यार, इंडिया अभी बहुत अच्छा करती आ रही थी। तुम्हें हमें सबको पता है कि इंडिया ने 3 लगातार मैच जीते हुए हैं, लेकिन आज के मैच ड्रॉ हुआ। तो ऐसा नहीं कि हार गए, लेकिन हाँ अब ऐसा कहेंगे कि वो 4 मैच से इंडिया हारे नहीं हुए। बट उम्मीद थी यार इंडिया को जीतना चाहिए था, बट क्या करे यार, स्लोपी पास और जो वो इंटेंसिटी होनी चाहिए ना भाई, वो इंटेंसिटी नहीं थी। जो पहला गोल हुआ सिंगापुर, उसके बाद इंडिया ने थोड़ी इंटेंसिटी दिखाई। ब्रेक हुआ, वाटर ब्रेक हुआ, उसमें तुम देख सकते हो इगर्स मैच समझाता हुआ दिख रहा है, सुनील छेत्री से बात करता हुआ दिख रहा है। जस्ट उसके तुरंत बाद ही सुनील छेत्री का बहुत ही सुनील छेत्री का शानदार असिस्ट था, और कुरनियर का वो गोल था। आसिक कुरनियर आज के गेम में काफी अच्छा दिखा, वो हर जगह तुझे दिख रहा होगा भाई, हर जगह दिख रहा होगा। हाँ, कुरनियर के एक दो गोल, एक और भी गोल कर सकता था, एक या दो गोल कर सकता था। जब उसको बॉक्स में एक दो बार बॉल मिली, तो वो रादर देन उसको हिट करना चाहिए था, शूट करना चाहिए था, वो एक दो टच देकर पास करने की कोशिश करा तो उसने मिस कर दिया, और वो कर सकता था। और मैंने एक टैक्टिकल चीज देखा कि लाइक आज जो फॉर्मेशन था इंडिया टीम का था 4-2-3-1 के फॉर्मेशन उतरी थी। स्ट्राइकर खेल रहे थे सुनील छेत्री, और 3 के फॉर्मेशन में हमारे मिडफील्डर्स थे। तो मैंने देखा थापा और सहल, आई थिंक थापा जो था वो आगे खेल रहा था सहल के, सहल काफी डीप खेल रहा था पहले हाफ में, तो वो कहीं दिखा ही नहीं। जब सेकेंड हाफ हुआ तो सहल थोड़ा आगे खेलना शुरू, तो दिखना स्टार्ट करा। वो भले ही 15 मिनट तक खेला, उसके बाद उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। काफी ज्यादा इगरेस्ट मैच में सेकेंड हाफ में सब्स्टिट्यूट करे, बट उसका कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। कभी लगा ही नहीं कि इंडिया जा रहा है गोल करने, और जब भी सिंगापुर लॉन्ग बॉल खेल रही थी इंडिया को प्रॉब्लम हो रहा था, वो हमेशा डेंजर दिख रहे थे। जब भी लॉन्ग बॉल आ रहा था लग रहा था कि वो डेंजर दिख रहे हैं, और सिंगापुर का ऐसा बात नहीं, उन्होंने 3-4 शॉट लिए हैं, और गुरप्रीत ने एक बहुत शानदार हेडर सेव करा था, अदरवाइज वो 2-0 था, और इंडिया को भी चांस मिले थे, ऐसा नहीं है। लेकिन तुम उम्मीद करते हो यार, अगर चलो ड्रॉ ही मैच हो गया, ठीक है मानता हूँ ड्रॉ हो गया मैच, लेकिन तुम उम्मीद करते हो कि अगर इंडिया टीम जैसी 104 रैंक वाली टीम अगर 159 रैंक वाली टीम से खेले तो डोमिनेट करे, डोमिनेट करे। चलो ठीक है, बॉल पोजीशन नहीं है, लेकिन विदाउट द बॉल तुम शानदार दिखने चाहिए। तुम्हारे स्लोपी पासेस नहीं होने चाहिए, तुम्हारे एक्यूरेट पासेस होने चाहिए। ये भी बात है यार, इंडिया जून के बाद से ये मैच खेला भाई, 3-4 महीने का गैप, बहुत मैच खेलना पड़ेगा यार। कैसे केमिस्ट्री कैसे बनेगी टीम में? केमिस्ट्री तभी बनेगी जब मैच खेलना पड़ेगा। इसके लिए AIF को कुछ करना पड़ेगा यार, इंडियन फुटबॉल कुछ करे, मैच ज्यादा खेले, क्योंकि नेक्स्ट ईयर है एशिया कप। एशिया के लिए कप के लिए इंडिया क्वालिफाई कर चुका है, और मुझे लगता है इगरेस्ट मैच ऐसा चाहता है कि परफेक्ट टीम चूज करना चाहता है, इसलिए इसने बहुत सारे यंगस्टर्स को मौका दिया, तो वो देखना चाहता है किसके साथ। तो बहुत मैटर करता है कि ये फ्रेंडली बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अब पता नहीं यार एशिया कप और इस मैच के बाद बीच में कोई फ्रेंडली होएगा कि नहीं होगा, कोई आइडिया नहीं। जिस तरीके से
फुटबॉल फेडरेशन इंडिया की जो काम कर रही है, आई डोंट नो, पता नहीं वो मैच कराएं कि ना कराएं, एक बार और टेस्ट करने का मौका मिलेगा इस मैच के, और प्लेयर्स को चेक करें। 27 को वियतनाम के साथ टीम है, आखिरी मैच है, उसके बाद पता नहीं बीच में हो कि ना हो मैच, आई डोंट नो। उसके बाद एशिया कप है 2023 में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस मैच को एक फिक्स टीम चूज करना पड़ेगा, इसलिए वो इतने सारे यंगस्टर को चांस दिया था। तो आज का गेम यही है यार, बस यही है कि वो जो होना चाहिए ना यार, 90 मिनट की पूरी इंटेंसिटी, शुरुआत गेम में आओ और शुरुआत से यार दबाव बनाना स्टार्ट करो। अगर तुम हाई रैंकिंग वाली टीम हो तो तुम्हें करना पड़ेगा ये। अब तो चलो नेक्स्ट मैच वियतनाम से है, उसमें काफी इंडिया का टेस्ट होगा। इसके पीछे रीजन ये है कि वियतनाम बढ़िया टीम है, उनकी रैंकिंग भी इंडिया से अच्छा है, 97 रैंक की है, तो देखते हैं। और उनको ये जो फ्रेंडली जो भी ये राउंड रॉबिन टेबल जो भी है, इसमें जीतना है तो एटलीस्ट 4 गोल तो करना पड़ेगा, 4 गोल के मार्जिन से जीतना पड़ेगा। तो यही है यार आज का, देखते हैं नेक्स्ट मैच में क्या होता है। तब तक के लिए बाय।